लगे रहेंगे नहीं तो ब्रेक और ब्रेक मार लेना। आपका नाम क्या है छोटू? गौरव भाई, थैंक यू यार, साइकिल चलाने। अभी देखो ये राइडिंग तो आज हम हैं सिंगापुर की सड़कों पे और देख सकते हैं आप साइकिलिंग का नजारा, बेहतरीन मजा लेते हुए। यहाँ की सड़कें बेहाल है, भले ही हम फॉरेन में हैं लेकिन यहाँ की जो सड़कें बहुत ही बेहाल है, साइकिल में ब्रेक भी नहीं है। छोटो तू ही चला यार, मेरे से नहीं हो पाएगा। वेलकम बैक गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट ब्लॉग में हमने आपको मुनस्यारी डीडी हाट से मुनस्यारी तक का जो भी सफ़र था वो तय किया था और आपको दिखाया था। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं मुनस्यारी में, जो सबसे पहले हम आए नंदा देवी मंदिर। यहाँ पर एक मेन जो यहाँ का टूरिस्ट अट्रैक्शन है और एक पवित्र मंदिर है यहाँ का। तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर, मेरे साथ में चंद्रकांत भंडारी है और चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको नंदा देवी मंदिर के दर्शन कराते हैं। सबसे पहले ये देखिए, काफ़ी शांत वातावरण, शांत माहौल है यहाँ पर, एकदम चारों ओर शांति और बर्फ़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी भी बर्फ़ जमी हुई है। बेहतरीन चेयर है यहाँ पे, अगर आपको स्नो चेयर बोल सकते हैं इसको, अगर गर्मी का एहसास हो तशरीफ़ को आराम से रखने का। बस 10 तक ही गिनना है। वहाँ का व्यू लेना। हम इसी पहाड़ी के पीछे 0 पॉइंट पे गए थे। ये हमें लेने आया हुआ है अभी, लेने तो आया था लेकिन चले क्यों गया? अरे वो अभी यहाँ पे तेल खत्म हो गया, मैंने उसको बोला थोड़ी देर, तेल खत्म हो गया नहीं, वो ऊपर से वो वीडियो बना रहा ना। अभी हम लोग पहुंच गए नंदा देवी मंदिर और चारों ओर बर्फ से ढके हुए पहाड़ आप देख सकते हैं यहाँ से, वो पंचाचूली। इससे पहले एक ब्लॉग हमने बनाया था पंचाचूली बेस कैंप हम लोग गए थे, ये यही वो पहाड़ी है और इसके पीछे बैक साइड में हम लोग गए थे तारचूला से। देखिए दोस्तों, काफी शानदार आप देख सकते हैं यहाँ पे माहौल, वाओ, ऊपर पहाड़ी में बर्फ गिरी हुई है और नीचे धूप खिली हुई। यू कैन नॉट बाय दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, अमेजिंग व्यू। काफी सारे टूरिस्ट भी यहाँ पर आए हुए हैं नीचे, चलिए अभी मिलाएंगे उनसे। नहीं नहीं, क्यों मिलाना उनसे? अब फिर वापस आ गया। हाँ हम काफी देर से हमें, हाँ नीचे हैं, हम नीचे हैं, आ जाओ इधर लगा ले, उधर आगे पार्किंग में, इधर नीचे लगाओ, नीचे आ जाओ भैया। सैलरी टाइम से नहीं मिली क्या इसको? वहाँ से वो एरियल व्यू ले रहे हैं, उसके बाद वो आएगा नीचे। ये यहाँ का जंपिंग पॉइंट है, ऊपर से जंप करना है लेकिन वो अपने रिस्क पे। वाह,
कैसे है? ये है मेरी रानी। रानी बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो। अभी थोड़ा सुस्ताई हुई है, उसको नींद आई है, ज़्यादा खा लिया जिसने। बोलो, हाय बोलो, बोल बोलना। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बोलना बोलना रे बोलना, अरे बोलना रे बोलना। तेरे को ढूंढने के लिए पता ना कहाँ से कहाँ तक आया। ये सुंदरता जो है ना, ये तुम्हारी ब्यूटी जो है ना काजल, इसको ढूंढने के लिए मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैंने बहुत सारे हिमालय को पार कर लिया, करने के बाद मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, तुम्हारे हाथों को।